नमस्कार, कैसे हैं आप? कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं। वो कब सोते हैं कुछ नहीं पता। वो विदेश यात्रा से लौट करके थकाओ यात्रा से लौट कर आते हैं और चुनावी सभा में चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका से पहुंच गए मिस्र, मुस्लिम कंट्री मिस्र में। जब वो मस्जिद में थे तो यहां पर खैरातियों ने अलग खेल करना शुरू किया, तो पता चला 1000 साल पुराने मस्जिद, जिस मस्जिद में मोदी गए थे, वो भारत के मुसलमानों द्वारा बनाया गया है, बोहरा मुसलमानों के द्वारा। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि नरेंद्र मोदी वहां से लौट करके आए तो मध्य प्रदेश में बूथ से जुड़ने के लिए अपने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे। मोदी मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे थे जो बिखर रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से। लेकिन इस सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों को पर नकेल कसा और देश के तमाम भ्रष्ट नेता जो एकजुट होकर मोदी के खिलाफ स्वांग रच रहे थे उन सबका खात्मा किया। मोदी जानते हैं कि शब्दों के मायने क्या हैं। मोदी जानते हैं कि उनके वोटर चाहते क्या हैं। मोदी जानते हैं कि उनके वोटर चाहते हैं कि हर बेईमान सजायाफ्ता अपराधी हो, उसके एक एक पैसे छीने जाएं। मोदी वही करने की बात कर रहे थे। लेकिन असल कांड मोदी जानते हैं कि वोट उनके वोटर किस बात से खुश होंगे। उनके वोटर का इंतजार यूसीसी का है, कॉमन सिविल कोड का। तो चोट मोदी ने इसीलिए मारी, और ना सिर्फ इस बात को कहा कि वो यूसीसी लाएंगे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट फटकार चुका है और इस यूसीसी के लिए उन्होंने मुसलमानों को ही आपस में भेद दिया। उन्होंने साफ कह दिया इस देश का मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, पसमंदा मुसलमान है, वो सैयद शेख पठानों शेरवानियों जो विदेश से आए हुए हैं उनसे कैसे प्रताड़ित हैं। तो ओवैसी जैसे लोग जो फुफकार मार रहे थे, मोदी ने उनका कांड कर दिया। कैसे, जरा सुनिए मोदी को, उन्होंने यूसीसी पर क्या कुछ कहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। प्रधानमंत्री मोदी जब यूसीसी पे बोल रहे थे तो दूसरी तरफ ओवैसी बौड़ा रहे थे। ओवैसी के साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं को आग लग गई। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं को यूसीसी से कौन सी परेशानी हो गई? कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो कांग्रेस क्यों परेशान हो जाएगी, जबकि बात बहुत पहले से कही गई थी। अब सवाल कॉमन सिविल कोड से ही नहीं होगी। कॉमन सिविल कोड आने से चर्चा नेहरू काल की होगी कि आखिर क्यों नेहरू ने कभी कहा था कि मुसलमानों के कानून में हस्तक्षेप नहीं करना, ये शरिया में नहीं घुसना है। उस समय जब हिंदू मैरिज एक्ट से लेकर
हिंदुओं के लिए कानून बन रहे थे, नेहरू किसी भी कांग्रेस के भी बड़े नेता से सहमति नहीं ले रहे थे, राष्ट्रपति तक थे भी नहीं। आज कांग्रेस के नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों, भूपेश बघेल हों या फिर राहुल गांधी हों, सबकी तिलमिलाहट बढ़ गई है। दरअसल मोदी जानते हैं कि ये जितना तेल मिलाएंगे, इनके जले पर जितना नमक छिड़का जाएगा, चाहे वो मुलायम पुत्र हों, चाहे वो लालू पुत्र हों, लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों, नीतीश कुमार हों, शरद पवार हों, यूसीसी से हर किसी को मिर्ची लगनी है। उनके घाव पर, उनके कटे पर नमक मसलने जैसा है और चुनावी राजनीति इसी बात को कहती है। मोदी जानते हैं सत्ता हासिल करने के लिए जरूरत क्या है और इस देश को दिशा देने के लिए सत्ता में होना कितना जरूरी है। प्रचंड बहुमत के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए अपने सत्र के अपने 5-9 साल के बाद के समय में वो चुनावी एजेंडा वो लेकर के आ रहे हैं जो जनता के मिजाज के मुताबिक है। 4 साल मोदी काम करते हैं और अगला 1 साल मोदी अपनी चुनावी धुन में रहते हैं। कहते हैं मोदी 24 घंटा चुनावी धुन में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बूथ से बूथ जुड़ते हुए कहा कि एक एक चीज देश की जनता तक पहुंचाओ। तो फिर बात यूसीसी पर क्यों आई और उसके बाद पसमंदा मुसलमानों की बात क्यों? दरअसल मोदी तुष्टीकरण की उस राजनीति को ही तबाह कर देना चाहते हैं। यूसीसी उसी की एक कड़ी है, मोदी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।